नौकरी पर गैर हाजिर रहना 10 सरकारी टीचरों को पड़ा है महंगा। जेडीयू द्वारा एक ऑर्डर निकाला गया जिसमें 10 सरकारी टीचर्स जो जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रहे थे उन्हें सस्पेंड कर दिया है। सरकार ने ये कार्रवाई क्यों की, जेडीयू ने ये कार्रवाई क्यों करी और आखिरकार 10 इतनी बड़ी तादाद के अंदर ही टीचर्स को क्यों सस्पेंड किया गया, पूरी खबर आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। खबर को ध्यान से सुनिएगा और अगर आप भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरतेंगे अपनी नौकरी के साथ तो आपके ऊपर भी ये एक्शन जो है वो लिया जाएगा। जय हिंद, आप देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ शुभम लंगे। खबर जो है वो श्रीनगर के कुबाड़ा से आ रही है। यहाँ पर CEO यानी कि चीफ एजुकेशन ऑफिसर जो है डिस्ट्रिक्ट कुबाड़ा के, उन्होंने 10 सरकारी टीचर्स जो है उनकी सस्पेंड का ऑर्डर निकाल दिया है और उनकी उसकी वजह जो बताई जा रही है वो ये है कि जो उनका एक्चुअल प्लेस ऑफ पोस्टिंग था वहां पर ये टीचर्स जो थे वो रिपोर्ट नहीं कर रहे थे। इन्हें बार बार रिमाइंडर दिया गया, बार बार कॉल किया गया, लेकिन ये लगातार जो थे कोताही बरत रहे थे और जहां पर इनकी एक्चुअल प्लेस ऑफ पोस्टिंग थी ये लोग वहां पर नहीं जा रहे थे। जिसके बाद जेडीयू द्वारा एक डायरेक्शन, CEO द्वारा डायरेक्शन जो थी वो जेडीयू को दी गई थी और जेडीयू यानी कि जोनल एजुकेशन ऑफिसर करालपुरा जो कुबाड़ा के अंदर आता है वहां पर 10 टीचिंग ऑफिशियल्स जो थे वो फेल्ड हो गए और रिपोर्ट में यही लिखा गया है कि वो अपनी एक्चुअल प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो थी वहां पर रिपोर्ट नहीं कर पाए और जो डेट उनको दी गई थी बड़े सारे रिमाइंडर्स उन्हें बार बार दिए गए और जेडीयू द्वारा कंसर्न जो उनके थे लेकिन ये अपनी ड्यूटी पर नहीं पहुंचे। अब जिसके बाद उनका जो नॉन कॉम्प्लेंस था ऑर्डर का उसे ना फॉलो करते हुए नॉन सीरियसनेस जो थी इस ऑर्डर को लेकर और जो नेगलिजेंस जो उनके द्वारा दिखाई गई इसी के चलते जो उनकी ड्यूटीज उन्हें दी जानी थी जो जेडीयू द्वारा दी गई थी उस पर वो नहीं पहुंच पाए, जिसके बाद इमीडिएट इफेक्ट्स के साथ जो है उन्हें अटैच किया जाता है और जो अटैच थे अपने एक्चुअल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया इमीडिएट इफेक्ट के साथ। सरकार ने यह कार्रवाई इसी वजह से करी है क्योंकि लगातार जो है विभागों के अंदर जो है वो इस तरीके से देखा जा रहा है कि कौन शख्स जो है वो अपनी ड्यूटी पर तैनात है, क्या वाकई में वो ड्यूटी पर जा भी रहा है या फिर नहीं जा रहा है। आज का युग वो युग नहीं रहा जब इंसान जो था अपनी ड्यूटी पर 10-10 दिन नहीं जाता था तो उसकी तनख्वाह जो थी पड़ जाती थी। आज डिजिटल युग है, डिजिटल युग की बात करें तो इंसान अगर ड्यूटी पर नहीं है तो उसकी कंप्लेंट जाती है कंसर्न अथॉरिटीज को और उसके बाद कार्रवाई जो है उसके ऊपर की जाती है। ऐसी ही ये खबर जो थी वो कुबाड़ा डिस्ट्रिक्ट से आ रही थी। यहाँ पर चीफ एजुकेशन ऑफिसर जो है उन्होंने जेडीयू को डायरेक्शंस दी थी कि आप बार बार जो है 10 ऑफिशियल स्टाफ जो है उन्हें प्लेस जहां किया हुआ है वहां पर वो गैर हाजिर पाए जा रहे हैं, वहां पर वो पहुंच ही नहीं रहे हैं और वो रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों है इसकी वजह पता की जाए। जब जेडीयू को इसके लिए जो था अपॉइंट किया गया और जेडीयू ने जब एक रिपोर्ट बनाई उसमें यही लिखा कि हमने बार बार रिमाइंडर दिया है, कॉल की है लेकिन ये फेल हुए हैं और नॉन सीरियसनेस बिहेवियर जो है इन्होंने दिखाया है उस ऑर्डर को लेकर जो बार बार हमने इन्हें दिया है, जिसके बाद हमें जो है इन्हें सस्पेंड ही करना चाहिए, मेरी आपको यही गुजारिश है। और चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने विद ड्यू इफेक्ट जो है उसी समय ऑर्डर निकाला और 10 टीचिंग ऑफिशियल्स जो है उन्हें नौकरी से बर्खास्त यानी कि माफ करिए सस्पेंड जो है वो कर दिया। अब आगे की कार्रवाई की जाएगी, क्या उन्हें नौकरी पर रखा जाएगा या वाकई नौकरी से जो है वो बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ जम्मू कश्मीर से आ रही है। यहाँ पर सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए CEO ने एक ऑर्डर निकाला जिसके तहत जेडीयू की रिपोर्ट जो सबमिट की गई थी उसके बाद 10 टीचिंग ऑफिशियल्स जो हैं उन्हें गैर हाजिर जो था नौकरी पर पाया गया, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड जो है वो कर दिया गया है। अब आगे इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी के बाद जो रिपोर्ट सबमिट की जाएगी उसके बाद अगली कार्रवाई जो है वो की जाएगी। फिलहाल सस्पेंशन जो है इन 10 ऑफिशियल का कर दिया गया है। सरकार की इस कार्रवाई को आप जनता किस तरीके से देखते हैं अपनी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, वीडियो को ज्यादा शेयर करिएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए बाहू एक्सप्रेस पर। इधर लोग के साथ शुभम लंगे बाहू एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।